हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो दोस्तों, आगे मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 बजे से। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे पहाड़ियाँ और ये पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, लेकिन अभी ना बादलों से ढकी हुई है तो हल्की हल्की दिख रही है। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं आज आदि बद्री बदियाकोट भगवती मंदिर में और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। तो घर से तो हम लोग निकल गए थे 7 बजे और अभी हम लोग पहुंचे हैं धूर में और यहाँ आते आते हमको ना 9 बज गए हैं। तो आज का सफर भी हम लोग का स्कूटी में ही है। आगे रास्ते गंदे हैं ना, तो गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसलिए कुछ लोग तो ना अभी वहाँ से वापस भी आने लग गए, क्योंकि ना आधे लोग क्या होता है कि पहले दिन ही चले जाते हैं। धूर तक का रास्ता तो हम लोगों ने पहले भी दिखाया हुआ है अपने ब्लॉग्स में और आज हम लोग दिखाएंगे धूर से बदियाकोट तक का रास्ता। धूर से आगे आने के बाद यहाँ पे ना दो रोड मिलती है, एक रोड जाती है ये खाती की ओर, दूसरी रोड जाती है बदियाकोट की ओर। और अभी हम लोग को जाना है इस वाली रोड में। हम लोग आए इस वाली रोड से, ये जाती है खाती को और ये जाती है बदियाकोट को। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट से। और रोड ना कहीं पे बहुत ज्यादा डेंजर है, मुझे उतरना भी पड़ रहा है क्योंकि पानी भी आ रखा है ना। तो दोस्तों, जगह जगह पे ना ऐसे गधेरे आए हैं जिनमें मुझे उतरना पड़ रहा है। देखो कितना ज्यादा पानी आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पर भी मुझे उतरना ही पड़ गया। ठंडा पानी, ठंडा पानी आ रहा है। दोस्तों फिर से ना पानी आ रहा था, मैं उतर गई थी और उतरने के बाद ना मुझे यहाँ पे मस्त सा गांव दिख रहा है और इस गांव का नाम मेरे हस्बैंड जी बता रहे हैं उन्निया गांव है। चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं पिंडर नदी के पास और आज मैं ना पहली बार देख रही हूँ पिंडर नदी को। और ये नदी ना सीधे मिलती है गढ़वाल में और वहाँ से ना सीधे हरिद्वार में। तो ये रहा पिंडर नदी और यहाँ ना सामने पुल भी है, हम लोग को जाना है इस पुल से पार। और अब ना बदियाकोट थोड़ा ही बचा है, मतलब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा। दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं बदियाकोट गांव में और ना सबसे पहले यहां पे हमको दिखा बदियाकोट का इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज के बाहर पे जो फील्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब जन्नत में आ गए हो ना, वैसे ही लग रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हम लोग बुग्यालू में आ गए होंगे, इतने बड़े बड़े हरे घास के फील्ड है ना, क्या ही बताऊं। और उनमें ना गाय भैंस चर रहे हैं। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हमको पैदल जाना है और मंदिर है वो सामने आपको दिख रहा होगा टॉप पे, और मंदिर के डायरेक्ट पीछे है हिमालय। तो चलते हैं अब, मैं तो दूसरी बार तीसरी बार जाऊंगा मंदिर में और भूमि आ रही है पहली बार। और इसका देखो यहाँ से मेकअप स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ना घर से सिंपल आई थी, मतलब ये कहती कि मैं वहीं जाके करूंगी रास्ते में मेकअप, थोड़ा बहुत माला हाला नहीं पहने थे ना। और मौसम देखो ना पीछे कितना भयंकर हो गया है। सुबह से तो ऐसी है मौसम, हमको लगा था कि सुबह बारिश हो जाएगी लेकिन हुआ नहीं अभी तक, और अभी भी ऐसी ही दिख रहा है मौसम। और उम्मीद करते हैं घर जाते वक्त भी ना हो बारिश। चलिए दोस्तों, यहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट हो गया हम लोगों का और ये ना कच्चा रास्ता है, मतलब रोड जाएगी गाँव में शायद बाद में, वही अला रास्ता है। इसमें ना पत्थर वगैरह बिछा रखे हैं पूरे जमीन में, ये देखो ये रोड है ना गाँव तक रोड जाएगी, देख पार तक जा रही है, पूरा कट रहा है। रोड से आने के बाद हम लोगों ने गांव को भी क्रॉस कर लिया है। अब आ गया है ये बदियाकोट मंदिर का मुख्य द्वार, अब हम लोग ना इसी में प्रवेश करेंगे और यहाँ से ना ऊपर को पूरी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद मुझे लग गई है बहुत ज्यादा थकान, क्योंकि ना हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक के पानी भी नहीं पिया है। हमने सोचा था मंदिर में टाइम से पहुंच जाएंगे तो पाठ वगैरह करेंगे, और ना मैं बैग भी नहीं ले जा पा रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड जी को दे दिया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टॉप पे और इसके बाद खराब आवाज भी। अरे खड़ी चढ़ाई ना सीधे, और यहाँ से ना गाँव का व्यू काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, बस चढ़ाई भी उतनी चढ़नी पड़ती देखने के लिए। मंदिर में आके हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, अभी हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं पाठ, और पाठ ना मंदिर के अंदर ही हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ ना यहाँ पे कन्याएं भी खाने लग गए हैं। दोस्तों मंदिर में
आके हम लोग के दर्शन भी हो गए हैं और हम लोग ने ना पूजा पाठ भी कर लिया है। अभी मैं घूम रही हूँ मंदिर के चारों ओर, तो काफी अच्छा ना दृश्य है यहाँ का। और मंदिर में ना इतनी अच्छी कलाकारी की है ना क्या ही बताऊँ। मतलब सामने देख के ना जितनी मैंने चढ़ाई चढ़ के ना मुझे थकान हुई थी ना, वो सब थकान ना मुझे यहाँ पे दर्शन करके सब मिट गई है। गाइस यहाँ पर का मौसम देखो ना अचानक से चेंज हो गया है, इधर साइड पूरे बादल आ गए हैं। देखो ये और ये अब जा रही है चादरें लगाने के लिए, इसका शौक है।
आज मैंने यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम माता रानी जी की विदाई देखी। मैंने अपने गांव में भी अच्छे से नहीं देखी थी और यहाँ पे ना सच में सबकी आंखें नम हो गई थी। माता रानी की ऐसी विदाई देख के ना अपनी विदाई भी याद आ जाती है। तो बहुत अच्छा लगा, माता रानी का आशीर्वाद हम लोगों ने अच्छे से लिया। अब चलते हैं घर की ओर। अभी ना लास्ट में बहुत बड़ी चांसी लगी थी लेकिन हम लोग उसको अटेंड नहीं कर पाए। क्योंकि हम लोग को जाना था जल्दी घर और हम लोग ना स्कूटी में भी आए तो बारिश वगैरह का भी मौसम बन रहा है, इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं। और हमने ना परसादी वगैरह सब खा लिया, अब चलते हैं फटाफट से। मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो खाते खाते जा रहे हैं। कितना टेस्टी हो रहा ना, भूख से तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना। दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा पानी था ना, हम लोग फ्रीजर में डालते हैं ना जब तब हुआ रहता उतना ठंडा। अभी रोड में पहुंच गए दोस्तों और ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है। और देखो हम लोग गए थे सामने वाले टॉप में और इतना रास्ता तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंचे रोड में। यहाँ की थोड़ा सा रास्ता ख़राब है तो मैं थोड़ा ना पैदल पैदल जाऊंगी और मेरे हस्बैंड जाएंगे स्कूटी में। और अभी ना यहाँ मस्त मौसम हो गया। सुबह दोस्तों मैं स्वेटर पहन के आई थी और ठंडा भी हो रहा था लेकिन अभी ना पैदल चलने से गर्म भी हो गया है। अब चलते हैं फटाफट से। और देखो सामने कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। तो ये वही फील्ड है जो मैंने आगे आप लोगों को दिखाया था, स्कूल वाला फील्ड है ये। और मैं अपने हस्बैंड जी से बोल रही थी ना कि हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने आएंगे यार, बहुत अच्छा है करके। तो देखते हैं कब आना होता है हम लोग का। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हुई है। सुबह ना हमारी स्कूटी फिसल रही थी, मतलब मेरे हस्बैंड जी ऊपर को चढ़ा भी नहीं पा रहे थे तो इसलिए अभी मैं उतर गई। ये देखो अभी भी वैसे ही हो रहा क्या? ये देखो स्कूटी रैपट जा रही है। चलो चलो आराम से। हाँ पाँव तो दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं करबी विनायक और यहाँ ना मस्त सा फॉग लगा है। इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना, जिसकी सर्दियों में सुबह सुबह होता है ना वैसे हो रहा है। ये देखो दोस्तों पूरा फॉग है, कैमरे में उतना नहीं है जितना सामने उड़ जा रहा कैमरे में। तो दोस्तों देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे को, कितना खतरनाक है। यहाँ से कुछ भी नहीं दिखा, नीचे पेड़ का हल्का सा छाया दिख रहा है बस, बस रोड दिख रही थोड़ा सा हमको भी नहीं दिख रहा। अब नीचे होटल है ना वो भी नहीं दिख रही है। करमी विनायक में मस्त सा लंच करने के बाद हम लोग जाने लग गए हैं अब अपने घर की ओर। और ना उन्होंने हमको एक एक चॉकलेट भी दी।